Assalamu alaikum students, how are you all? Have a good day. Dear students, today we will discuss question 3 and 4 of exercise 1B. So let's start. Open page 9 of this book. There is question number 3. क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. कह रहे हैं ये जो नीचे ऑप्शंस गिवन है सारे, इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो मालूम करें. ठीक है, इसका ए पार्ट है. ए पार्ट में कह रहा है द सम ऑफ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज. कह रहा है जो सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर है उसका और जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है उन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है. स्टूडेंट्स, जो हमारी काउंटिंग है 0 से लेकर 9 तक, उसमें जो स्मॉलेस्ट डिजिट है वो है 0 और जो ग्रेटेस्ट डिजिट है वो है हमारे पास 9. तो 9 के साथ 9 9 9 9 9 मिलके ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाएंगे और इसी तरीके से 0 के साथ मिला के 4 डिजिट नंबर बनाएंगे. ठीक है, ये देखिए रॉ वॉकिंग में मैंने किया हुआ है. 9 के साथ मैंने 4 डिजिट्स और मिलाए हैं तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बना है 1 2 3 4 5. ठीक है, और इसी तरीके से जो 0 के साथ मिला के जो है 4 स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बनाना. ठीक है, ये इसको काउंट कर लें 1 2 3 4. ये देखें 4 डिजिट नंबर है. ठीक है, इन दोनों को कहते हैं प्लस करें तो हमारे पास इनमें से कोई आंसर आता है. ठीक है, इनको ये देखें मैंने प्लस किया हुआ है. ये 9 में 0 को प्लस किया हुआ है, 9 9 में 0 को प्लस किया, 9 ये भी 9 आएगा, 9 और 1 10, इसका 0 लगाएंगे 1 कैरी ले जाएंगे. ठीक है, ये रफ वर्किंग है. और 9 में 1 प्लस किया 10, तो ये हमारे पास क्या बना है 100,999. तो ये ऑप्शन यहाँ पर चेक करें कहीं पर है, ये देखें 100,999. तो हमारा आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, ये बी वाला, सॉरी सेकेंड वाला. ठीक है, बी पार्ट है. बी पार्ट में कह रहा है 250,000 प्लस 25,000 इज इक्वल टू. इन दोनों को कहता प्लस करें तो वो किसके इक्वल आता है. अब देखें, ये प्लस किया हुआ मैंने, ये दोनों को प्लस करने से हमारे पास क्या आया हुआ है 275,000. ठीक है, ये देखें 5 जीरोज में, तो जीरो प्लस करेंगे हमारे पास जीरोज ही आएंगे. ठीक है, 5 5 2 7 और ये वाला 2, तो हमारे पास क्या ऑप्शन आया है, इन ऑप्शंस में से कौन सा आंसर है, फर्स्ट वाला. तो फर्स्ट वाले को हम लोग कलर करेंगे. ठीक है, सी पार्ट में कह रहा है 2400 प्लस 180 प्लस 9 इज इक्वल टू. कहता है इन तीनों को प्लस करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है. ये देखें, इन तीनों को मैंने प्लस किया है तो हमारे पास आंसर क्या बना है 2589. तो हमारा आंसर किधर है 2589. इसको क्या कर देना, हम लोगों ने कलर कर देना, हमारा ये करेक्ट आंसर है इस ऑप्शन का. हाँ जी, नेक्स्ट है डी पार्ट. द डिफरेंस बिटवीन, ये क्या नंबर है 99,999 एंड 1000 इज इक्वल टू. द डिफरेंस कहता है इनका फ़र्क बताएं दोनों का. फ़र्क हमेशा माइनस करके मालूम होता है, तो इस नंबर में से हम लोग 1000 को क्या कर देंगे माइनस, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. ठीक है, ये मैंने माइनस किया है. ये देखें, ये 9 में से 0 को माइनस किया हुआ है, 9 9 आया हुआ है. ठीक है, 9 में से 1 को माइनस करेंगे 8 आएगा और 9 के नीचे कोई डिजिट नहीं था तो ये 9 नीचे आ गया. तो हमारा आंसर क्या है 98999. ये किधर है 98999. ठीक है, इसको हम लोग सर्कल करेंगे, इस सर्कल को फिल करेंगे. ई पार्ट है टेक अवे 874,528 फ्रॉम 900,059. कहता है इसमें से इसको टेक अवे करें, निकाल लें, माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें. ठीक है, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास इनमें से कोई आंसर आएगा. ठीक है, तो ये चेक कर लेते हैं, ये मैंने माइनस किया है. ठीक है, ये देखें 9 में से 8 माइनस किया 1, 5 में से 2 माइनस किया 3, ये सारे जीरोस थे. ठीक है, इस 9 से हमने कैरी लिया, इधर 1 कैरी लिया, इधर रह गया 8. इस 10 से इधर 10 बनाया, ठीक है, इधर रह गया 9, और इस 10 से इधर 10 बनाया और इधर कितना रह गया फिर 9. ठीक है, 10 में से 5 माइनस किया 5, 9 में से फिर 4 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा. अब देखेंगे 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0. तो ये लेफ्ट साइड पर हम लोग जितने मर्जी जीरोज लगा लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारी वैल्यू यही रहेगी, यही आंसर हमारा रहेगा. तो ये क्या है 25,531. तो ये ऑप्शन चेक कर लें, है यहाँ पर 25,000, ये है 25,531, ये है हमारा करेक्ट आंसर. ठीक है, इसको कलर कर लें.
क्वेश्चन नंबर फोर है ऐड द फॉलोइंग. ये चार हमें जो है पार्ट्स गिवन है क्वेश्चन नंबर फोर की, कह रहा है इनको ऐड करें. ऐड करना बहुत ज़्यादा आसान है. ऐड करने के लिए हमेशा राइट साइड्स चूज़ करते हैं, ठीक है. राइट साइड से जो डिजिट है पहले उधर से स्टार्ट करेंगे, तो सिक्स में सेवन प्लस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, सेवन और सिक्स या सिक्स और सेवन थर्टीन. थ्री लगाएंगे वन कैरी, फोर फाइव और जो वन कैरी है सिक्स, एट में ज़ीरो प्लस किया एट, फाइव में थ्री प्लस करेंगे एट, फोर में थ्री प्लस किया सेवन. ये था हमारा ए पार्ट का आंसर. बी पार्ट है फाइव में ज़ीरो प्लस करेंगे, ये इसके राइट साइड पे फाइव है पहले फाइव और ज़ीरो दोनों को प्लस किया, फाइव में ज़ीरो प्लस किया फाइव, सिक्स में थ्री प्लस करेंगे नाइन आ जाएगा, एट में फाइव प्लस करेंगे एट एंड फाइव थर्टीन, थर्टीन का थ्री लगाएंगे वन कैरी ले जाएंगे थ्री के ऊपर, थ्री एंड नाइन ट्वेल्व, ट्वेल्व में वन प्लस किया थर्टीन, थर्टीन का थ्री लगाएंगे वन कैरी फाइव के ऊपर, फाइव और वन सिक्स जो कैरी है सिक्स, सिक्स एंड सिक्स ट्वेल्व, टू ट्वेल्व का टू लगाएंगे वन कैरी लेंगे, ठीक है. सेवन एट और जो कैरी है वन नाइन, ठीक है. सी पार्ट है सेवन में सिक्स प्लस करेंगे, सेवन और सिक्स थर्टीन, थ्री लगाएंगे वन कैरी, फाइव एंड एट थर्टीन, थर्टीन में वन जो कैरी है उसको प्लस करेंगे आ जाएगा फोर्टीन, फोर वन कैरी, थ्री एंड वन फोर, फोर में नाइन प्लस करेंगे थर्टीन आ जाएगा, थर्टीन का थ्री लगाएंगे वन कैरी लेंगे, फाइव एंड वन जो कैरी है सिक्स, सिक्स में टू प्लस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा एट, सिक्स में थ्री प्लस करेंगे सिक्स और थ्री कितने होते हैं नाइन, फोर आ जाएगा ऐसे ही नीचे क्योंकि उसके नीचे कोई डिजिट नहीं है, ठीक है. इसका डी पार्ट है, डी पार्ट में हमारे पास सिक्स में फोर को प्लस करेंगे, सिक्स और फोर कितने दोनों मिलकर क्या बनाते हैं टेन, टेन का ज़ीरो लगाएंगे वन कैरी ले लेंगे थ्री के ऊपर, थ्री और सेवन टेन, टेन में वन प्लस किया इलेवन, इलेवन का वन लगाएंगे वन कैरी लेंगे, फोर और जो वन कैरी है फाइव, फाइव में टू प्लस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा सेवन, नाइन में वन प्लस करेंगे आ जाएगा टेन, टेन का ज़ीरो लगाएंगे वन कैरी लेंगे टू के ऊपर, टू और जो कैरी है थ्री, थ्री में एट प्लस करेंगे इलेवन, इलेवन का वन लगाएंगे और वन कैरी लेंगे, थ्री और वन फोर, फोर में टू प्लस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा सिक्स. जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री और क्वेश्चन नंबर फोर एक्सरसाइज वन बी का. इन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.